وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

उनके ताल्लुक से बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ रहे थे या ऐसे लोग हैं जो दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए हम दुआई अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं बाक़ी लोगों ने जो बना लिया है उनके ताल्लुक़ से उनकी सेहत और गलत क्या चीज़ है अल्लाह ताला बेहतर जानता है तो उनके ज़िंदगी के ताल्लुक से कुछ बातें यहाँ फरमाई कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उनका लक़ब है नाम उनका मोइनुद्दीन है चिश्ती उनका सिलसिला है उन्होंने दुनिया के काफ़ी इलाक़ों का सफ़र किया फिर आखिरकार हिंदुस्तान आ गए आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ाब में देखने के बाद नबवी रहनुमाई पर अल्लाह के नबीसम की गाइडेंस पर आपने लाहौर का सफ़र किया तो जैसे मैंने बताया कि इस दुनिया में इन आँखों से अल्लाह को कोई देख नहीं सकता आ मरने के बाद इन शाला सब को दीदार ना ही नसीब होगा ख़्वाब में किसी ने दीदार किया है तो अल्लाह के नबी वसल्लम से हदीस साबित है बाकी कुछ इमामों के मानने वालों ने अपने अपने इमाम के लिए बना लिया हमारे इमाम साहब ने खाब में देखा है तो वैसे ही मोनुद्दीन चिश्ती उनके ताल्लुक़ से भी कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने भी क्या किया है ख़्वाब में देखा है और फिर वहाँ से लाहौर से वापस आए तो कुछ ही देर बाद कुछ ही दिनों के बाद राजस्थान के इलाके अजमेर पहुँच गए क्या नाम है उनका मोनुलद्दीन चश्ती और वही उनकी वफ़ात हुई अजमेर में सिलसिला चिश्तियाँ जैसे हम लोग कहते हैं कि चिश्त चिश्ती चिश्ती जैसे हम लोग लोगों को अपने साथ लगाता हुआ देखते और सुनते और पढ़ते हैं उनका ये जो सिलसिला है इन्हीं से शुरू हुआ जो भी अपने आप को चिश्ती कहता है हम समझ लेंगे कि ये मोयुद्दीन चिश्ती की बात कर रहा है और ये चिश्त असल में क्या है अफ़ग़ानिस्तान के शिमाल के इलाके हरात की एक बस्ती का नाम है चिश्त मद्दीन चिश्ती का ये जो सिलसिला है दूसरे सूफ़ी सिलसिलों से मिलता जुलता है मगर उन सिलसिलों की कुछ नजरियात कुफ्रियाबी हैं जैसे चिश्ती सिलसिले में एक मुराकबा है मुराकबा मतलब आप अंधेरे में सर झुका के बैठ जाएंगे, ख़ास ज़िक्र करेंगे हाँ उसे मुराकबा बोलते हैं तो एक मुराकबा ऐसा है जिसमें हर हफ्ते एवरी वीक दो घंटे यानी आधा घंटा या घंटा आपको किसी खबर पर गुजारना पड़ता है किसी ख़बर के पास जाकर आप बैठ जाएंगे जैसे ये लोगों का ताल्लुक है सुबहान अल्लाहब वहां बैठ कर क्या करेंगे वहां मुरीद क्या करेगा अपना सर ढांप लेगा ढांप कर वो आवाज लगाएगा अल्लाह हादिरी अल्लाह नादिरी इस तरह की आवाज वो लगाएगा और खबर पर बैठ कर लगाएगा और सर को भी ढांप लेगा तो जाहिर है ये गुमराह और बिदाती तरीक़ा है ना साहब कर राम ने किया ना अल्लाह के नबी ससरम ने बतलाया बल्कि इस बात का कवी इम्कान है कि शिरक बन जाएगा क्योंकि खबर पर बैठ कर जिस सूफ़ी या जिस वली के ख़बर पर आदमी बैठ रहा है उसके तस्वुर को अपने दिमाग में लाएगा अब मैं अल्लाह वाले के खबर पर बैठा हूँ बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं जैसे नमाज में आदमी खड़ा होता है तो नमाज में एहसान की कैफ़ियत क्या है अनंता अबूद का अन नरा फिल्म तकन तरा हो फ़ इन हो या राक। आप ऐसे समझो कि आप अल्लाह को देख रहे हो यानी तो कम अज़ कम अल्लाह आपको देख रहा है इस तस्वूर से आप नमाज़ में खड़े होते हैं अगर ख़बर के पास कोई इसी तसवूर के साथ बैठे आवाज़ लगा रहा है गरचे के अल्लाह ही को पुकार रहा है लेकिन बैठा कहाँ है ख़बर पर बैठा है अल्लाह हाजिरी अल्लाह नाजिरी अल्लाह हाजिर है अल्लाह देख रहा है उसके दिलो दिमाग में साहेब क़ब्र सवार है तो ये शिर के अकबर हो जाता है क्या हो जाएगा ये शिर के अकबर हो जाएगा अब एक मशहूर आलिम दीन हैं, जिनकी किताबें लोग पढ़ते हैं माशा बहुत सारे लोग उन किताबों को पढ़ते हैं तो ये हैं मौलाना जकरिया कानधलवी मौला जक्रिया कांदलवी ये हिंदुस्तान के इमाम तरीक़ थे आप ही से हिंदुस्तान में उलूम मारिफत का अफ्तः हुआ और सिलसिले चिश्तिया हिंदुस्तान में आप ही से फैला ये जो चिश्ती का चश्ती सिलसिला इन्हीं से फैला इन किसके बारे में लिखते हैं मयर चिश्ती के बारे में मौना जक्रिया कांधलवी साहेब लिखते हैं लिखते हैं हिंदुस्तान में 90 एल कितने 90 कितने हुए नव लाख नव्वत लाख आदमी आपके हाथ पर इस्लाम लाए तो नव्वत लाख कितने साल हुए नव्ब लाख के नुँग पर, नुँग पर नुँग पर लाग पर लाग। नव्वत लाख अगर हम मान लेते हैं तो वो लिखते हैं उनके बारे में लिखते हैं कि नव्व लाख आदमी उन लाख आदमी किसके हाथ पर मुसलमान हुए मोीनद्दीन चिश्ती रहा के हाथ पर मुसलमान आपका नसब ग्यारह पुश्त पर हजरत इमाम हुसैन तो हम तो इमाम नहीं कहते हैं हुसैन रज़ी अल्ला तो मिलता है नहीं? तो उसके बाद कहते हैं आपका आपके कमाला दरअल इमाम हरे को कह सकते हजर, इमाम इबन हजर असकलानी इमाम इबन तैमिया इमाम मोहम्मद अब्दुल अब्दुल्हाबा ऐसे इमाम इनको कह सकते लेकिन जिस तसवर के साथ इनके साथ इमाम लगाया जाता वो तस्वर ग़लत है आपके कमालत बहर लामतनाही हैं बहर लामतनाही का मतलब है कि आपके अंदर इतने कमालात हैं जिसके समंदर का कोई किनारा नहीं है इतने कमालत और ये भी कहते हैं कि जिस पर नज़र डालते वो साहेब मारिफत हो जाता वहाँ बैठ कर सीखना सिखाना ज़रूरत नहीं ऐसा देखते ही क्या हो जाते है, इनको पूरा साहेब मारिफत हो जाते, सिर्फ़ सामने आना सिर्फ़ सामने आते ही क्या हो जाते हैं, साहेब मारिफत हो जाते उन्होंने जाहिरिया और बातिना दोनों में कमाल हासिल था ज़ाहिर इल्म दाहर भी था इल्म बातिन भी था ये किसको है ये किसे हासिल है सिर्फ़ अल्लाह को हासिल है वल वल आखिर वाल वाल बातिन कौन है वो अल्लाह इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये लोग हमको क्या समझते है? ये कब देखे थे बकवास करते रहते हैं अरे आप लोग ऐसा ऐसा लिखेंगे हां? तो हम लोग क्या हम लोग न बोलेंगे तो फिर अल्लाह हमको छोड़ेगा कुरान में अल्लाह कहता है अव्वल वल आखिर वल बातिन वो अव्वल है वो आखिर है वो ज़ाहिर है वो बातिन है अगर उसी को किसी एक ज़ीफ़ कमज़ोर मखलूक़ के साथ आप जोड़ें तो क्या होगा ये तो शिरक हो जाएगा अच्छा तो उसके बाद आगे लिखते हैं कि एक मरतबा मोनुलद्दीन चिश्ती वज़ू करते करते उंगलियों में खिलाल करना भूल गए उंगलियों यहाँ बीच में सूखा रह जाता है वज़ू करते वक्त ऐसे से करते हैं ताकि ये भी, भी भीग जाए तो गैब से आवाज़ आई क्या आवाज़ आई मोहब्बत रसूल का दावा है और सुन्नत छोड़ रहे हो वैसे हम भी वैसे दावा करते हैं लेकिन कभी सुन्नत पढ़ते नहीं फ़र्श भी बड़ी मुश्किल से पढ़ लेते हैं लेकिन दावा मैं भी करता हूं आप भी करते हैं लेकिन यहां इस वाके के तहत आपने फौरन तोबा की और आइंदा ऐसी और कहा कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा आगे चलकर बताते हैं शेख की करामात बहुत ज्यादा हैं उनमें से एक है कि ये हजरत एक मरतबा हरात तशरीफ़ ले गए हरात अफ़गानिस्तान की एक बस्ती का नाम है वहाँ तशरीफ ले गए और वहाँ एक शी अमीर था शी अमीर था वो गाँव में वो इस कदर मुतासब था कि अगर कोई अपने बच्चे का नाम उमर रखता अबू बकर रखता रखता तो उसे कतल करवा देता तो बच्चे का नाम अगर कोई रखता तो क्या करता उसे कतल करवा तो शेख का गुजर उसके खास बाग में हुआ शेख जाते जाते उसके बगीचे में गए वहां जाकर हाउस के किनारे बैठे बाग में पहले हाउस होता था जहाँ से दरख्तों को पानी दिया जाता था तो वो शख्स अपने बाग में आया देखा कि बुजुर्ग हाउस पर बैठे हुए हैं तो बड़ा गुस्सा आया उसे जाहिर है फ़र्क मालूम हो जाएगा कि कौन सी है कौन सुनी है तो हजरत ने अब गुस्सा होकर बोला अच्छा इनको क्या भी पनिशमेंट देना तो हजरत ने उस पर एक निगाह डाली हजरत ने सिर्फ क्या किया ऐसे देखे बेहोश हो गया हजरत के देखने से वो क्या हो गया बेहोश हो गया हजरत शेख ने थोड़ी देर के बाद उस पर हाउस का पानी डाला जिससे वो होश में आया लेकिन होश में आया तो उसकी हालत बदल गई थी वो मतखद हो गया था वो मुरीद हो गया था और जितने उसके दोस्त थे सब के साथ उसने हज़रत के हाथ पर क्या किया उसने बैत किया और खिलाफत जाहरी और बातनी से आपका नायब और अमीर बना क्या हुआ नायब और अमीर बना और फिर एक बहुत पैसे भी लाया बड़ी रकम नजराना पेश करना चाहा मगर हज़रत ने वापस कर दिया बोला कि नहीं लेंगे हम तो तो ऐसी इनके करामात में हैं तो और फिर आगे लिखते हैं ये सब कौन लिखते हैं उनके उनके करामात में लिखते हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम के गाइडेंस पर आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए अजमेर की तयन हज़रत ने जाहिर की जाहि हज़रत ने जाहिर है कि ही से की होगी <स्थियों> हजरत कसीर कफीर। मुजाह थे मुजाहदा के मन स्ट्रगल बहुत मेहनत करते थे अल्लाह ताला कितनी मेहनत करते थे सत्तर साल रात को नहीं सोए अब आप अंदाजा लगा लो आ? ये तो बड़ा ताज्जुब कर रहा है ताज्जुब कर रहा है वैसे नहीं है यहां जैसे लिखा है मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ कि सत्तर साल क्या नहीं करे वो रात को नहीं सोए अब हिसाब लगाना पड़ेगा कि हजरत की जिंदगी कितनी थी <coughs> कितने साल वो रहे क्या है ऐसी <coughs> बातें बहुत सारी लिख देते हैं अब मैं मर जाऊँ मेरा कोई मुरीद होगा तो वो भी लिखेगा कि शेख कैसे थे ऐसे थे वैसे थे अब उसमें कितना सही है कितना गलत है कौन जाने अल्लाह सुबहान तला जाने हा? तो उसके बाद एक और चीज़ जहाँ इन्होंने लिखा है ला इल्लल्लाह उसके बाद क्या है हा? लेकिन यहाँ लिखा हुआ है चिश्ती रसूलुल्लाह यहाँ क्या लिखा हुआ है ला इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस सिलसिले में ये जो कलिमा है देवबंदियों के हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी चिश्ती हनफी इसके बारे में सफाई देते हुए लिखते हैं ये ऐसा आया इनके तालु से इन्होंने अपने किसी मुरीद से ऐसा कलिमा पढ़ाया तो इसको उन्होंने कैसे दिया सफाई दी तो कहते हैं कि अलिया अल्लाह का जिक्र हो रहा था इतने में एक आदमी आया और बयात के लिए पाबोसी की क्या है पाबोसी का मतलब क्या हाँ पापोश बोलो तो क्या हाँ? उसे क्या बोलते हैं <coughs> मैट उसे उर्दू में क्या बोलेंगे पापोश पा माने पाउ पाए, पाए। पाया मतलब इसका जो पाया है नी <laughs> इसका पाया आप लोग उस पाए पर ना जाएं तो पापोश मतलब क्या मैट तो वो जो मुरीद आया उसने के लिए पा बोसी की मतलब पाओं को बोसा दिया पाओ को बोसा देना हमारे पास नहीं इसलिए कि सजदा किसके लिए है अल्लाह के लिए आपने उसको उठा लिया मतलब आशीर्वाद लिया तो उसको आपने उठा लिया उसने अर्ज किया मैं मुरीद होने को आया हूँ क्या बोला है मैं मुरीद ऐसा कभी आप लोग बोलते हैं क्या बोला उसने मैं मुरीद होने को आया हूँ क्या बोला मैं मुरीद होने को आया हूँ जो कुछ आप कहेंगे हम करेंगे आप जो कुछ नहीं नहीं तो जब उसने कहा कि मैं मुरीद होने को आया हूँ तो फरमाया शेख ने किसने आ, किसने कहा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा जब उसने कहा कि मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ तो फरमाया जो कुछ हम कहेंगे करेगा क्या पूछे हैं जो कुछ हम कहेंगे करेगा तो उन्होंने उसे कहा कि जो कुछ हम कहेंगे करेगा तो वो कहते हैं तो फरमाया जो कुछ हम कहेंगे करेगा अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं क्या करूँगा मैं क्या करूँगा मैं तुझे मुरीद कर लूँगा उसने कहा जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा उसने क्या जवाब दिया नहीं आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा मुझे कुछ ये नहीं है तो तो कलीमा इस तरह पढ़ता है इन्होंने पूछा कि तू कलीमा कैसे पढ़ता है तो उन्होंने कहा कि ला इला रसूलुल्लाह तो कहा कि एक बार इस तरह पढ़ क्या कहा उन्होंने एक बार इस तरह पढ़ एक बार इस तरह पढ़ ला इलाह इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। क्या बोला इन्होंने तू क़लिमा इस तरह पढ़ता है ला इलाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क़लिमा ऐसा नहीं ऐसा पढ़ कैसा पढ़ ला इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। अब लेकिन चू जो आया था आदमी वो रासिक्लादा था यानी पक्का अकीदे वाला था आ, उसने फौरन पढ़ दिया फौरन पढ़ दिया ख्वाजा ने उससे बैत ली और बहुत कुछ गलत और नेमत आता की और फरमाया मैंने फखत तेरा इम्तिहान लिया था मैंने क्या किया था तेरा इम्तिहान लिया था कि तुझको मुझसे किस कदर अकीदत और किस कदर अकीदत और मोहब्बत है वरना मेरा मकसूद न था कि तुझे इस तरह करीमा पढ़ाऊं मैं तुझे करीमा गलत जो पढ़ाया मेरा मकसद बस मेरे ताल्लुक़ से तेरे दिल में कितनी मोहब्बत है ये मैं जानना चाहता था मैं कौन और क्या चूज चीज़ हूँ जो मैं करीमे को ग़लत कह दूँ हुक्म वही है जो तू पहले कहता है ला इला मुहम्मद रसूलुल्लाह तो आबाद में उन्होंने कहता इस बात से तेरी सच्ची अक़दत मालूम होती है अब तो मेरा मुरीद हुआ मोनुलद्दीन चिश्ती ने कहा कि अब तू मेरा क्या है सच्चा मुरीद है तो ये है जो किताब असन्नतजली फिलच्तियतलिया अशरफ अली थानवी साहिब की किताब है तो उसके बाद यहाँ लिखते हैं गौर करें कि चिश्तिया सिलसिले तसूफ़ के बानी मीनुल्दीन चिश्ती साहिब ने किस कदर हिम्मत करते हुए अपने मुरीद की सच्चाई साबित करने के लिए कलीम तयबा को बदल कर अपने रिसालत का क़लिम़ा पढ़ाया एक आदमी की सच्चाई साबित करने के लिए क्या कलिमा बदलेंगे तो उसके बाद कहते हैं आ, उसके बाद लोगों ने इस सिलसिले में कहा कि इस ऐसा कहना गलत क्यों नहीं अब देखो जुल्म कैसा एक तो गलत तो यहाँ वो लिखते हैं कि अफसोस तो इस पर है कि अहले सुन्नत कहलवाने वाले बाज उलमा तसव्वुफ की में डूबे हुए हकीम उम्मत अशरफ अली साहब की इसकी तावील करते हुए कहते हैं इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का जो लगवी माना है लैंग्वेज के इस्तेमाल से नहीं रसूलुल्लाह रसूल के माने पैगाम पहुंचाने वाला मैसेंजर तो ये कलिमा कुफ्र नहीं है ला इला चिश्ती का अबो चूके बैत करता था तो इनका मैसेज दूसरों को पहुंचाएगा बात सही है। कैसा उन्होंने उस बात को ये किया उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें हदीस में दलील मिलती है मुस्द अहमद की एक रिवायत का हवाला दिया है उस हदीस में क्या है इन्नी रसूल रसूल इलाई वो सहाबी जाकर क्या बोले लोगों के पास मैं अल्लाह के रसूल का रसूल हूँ लेकिन इसमें क्या है चिश्ती रस डायरेक्ट रसूलुल्लाह लेकिन उस हदीस से इस लेकर बोलना ये चीज़ है है वो तो होता ही नहीं तो बाद में इन्होंने इस क़लिमे के ताल्लुक से कहा कि कितनी ग़लतियाँ इसमें हैं तो कहा कि क़लिमे में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है जिसमें तावील की अदना गुंजाइश नहीं है कि अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जबकि जैद बिन अंसारी मुरबा अनसारी, अनसारी रज़ी अल्लाहन की रिवायत में हैं कि रसूल रसूल्ला मैं अल्लाह के रसूल के का खासद हूँ जिसका माना है मैं अल्लाह के रसूल का कासिद हूँ ना कि अल्लाह का अल्लाह का रसूल ऐसा सहाबी भी नहीं बोले सहाबी ने अपने आप को अल्लाह का रसूल नहीं कहा और ना ही इसका इम्कान है बल्कि रसूल्लाह का खासद कहा है जबकि ख्वाजा चिश्ती ने चिश्ती रसूलुल्लाह कहा है अपने आप को अल्लाह का रसूल करार दिया है। तो ऐसे ग़लती हो जाती है तो बोलना चाहिए कि गलती हो गई अब नहीं हमारे आलिम गलती करें इसलिए हम उसे क्या करेंगे तोड़ मोड़ के सही जगह सही बनाने की कोशिश करेंगे ये गलत है आगे वो कहते हैं कलीम तयबा ला इलाहा इल्लल्लाह कलीम तक्वा ला इलाहा इल्लल्लाह और और रसालत के करार व शहादत की इस कलम पाक को लगवी करार देना किस क़दर जुरात और जसारत है क्या दुनिया भर के मुसलमान कलम तयबा में मोहम्मद और रसूल्लाह की लगवी रसालत की गवाही देते हैं लैंगवेज के अतबार से नहीं इसला माना है जो चिश्ती रसूल्लाह से लगवी माना मुराद है ये कलम तोहदालत के साथ सरासर खिलवाड़ है अच्छा तस्व और पीरी मुरीदी की इस बदतरीन बिदाद को बढ़ावा देने और उसकी अहमियत साबित करने के लिए कलम तयबा में तसरफ और उसके तलाउट करते हुए इस तरह अपनी पीरी और बुज़ुर्गी का कलिमा पढ़ाने का क्या शरीय इस्लामिया में कोई जवाज़ है उसके बाद एक और चीज़ रा गौर से सुने यहाँ उन्होंने पेश किया है ख़ुद उम्मत अपने पीर खलील अहमद सहारनपुरी के साथ अपनी मुरी अपने मुरीद से चिश्ती रसूलुल्लाह का क़लिमा पढ़ाने वाले ख्वाजा चिश्ती की कब्र की ज़ियारत और मुराक़बे के लिए तशरीफ़ ले गए हमारे पास ये सब नहीं है हम लेकिन हम मना नहीं करते हैं कब्रों की ज़ियारत नहीं कर सकते हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि ज़रूर जाइए ज़ियारत कीजिए लेकिन उनकी मगफिरत की दुआ कीजिए तो उसके बाद यहाँ देखिए ख़ुद हकीम हकीम उलमत हकीम साहब के एक मुरीद ने जब ख़्वाब में ला इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह का क़लिमा पढ़ा क़लिमा क्या पढ़ा ला इला इल... क़लिमा भी क्या कर दिए हैं बदल दिए और बेदारी में दर्द पढ़ते अब रात में ख्वाब में पड़े हो ला इल्लल्लाह अशरफ इला अली रसूलुल्लाह सुबह हुई नींद होशार हुई तो अब सही दरूद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह मसल आला महमद वाल महमद का मास तलाब्राहम वालब्रा कहमीद मजीद अल्लाह मुहम्मद इतनी सारी कोशिश के बावजूद भी ला इला बेख्तियार उनकी ज़बान से अल्ला मसल आला सईदना व नबीना व मौलाना अशरफ उनकी ज़बान से क्या निकल रहा था अल्लाह मसलआला मोहम्मद नहीं निकल रहा था क्या निकल रहा था अशरफ अली और उसने आकर हकीम साहब से इस बात का ज़िक्र किया ख़्वाब मैंने ऐसा पढ़ा और सुबह में मैं क़लिमा पढ़ना चाहता हूँ दरुद पढ़ना चाहता हूँ तो आपका नाम आ रहा है अल्लाह के नबी का नाम नहीं आ रहा है तो हकीम साहेब ने उसे तोबा इस्तफार करने का हुक्म देने के बजाय क्या फरमाया इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो नहीं ब्यात सुन्नत है यानी ये नहीं कहा कि तुम गलत कर रहे हो तुमने दरूद ही को बदल दिया इस्तफार करो बोला कि ये ये जो तुम्हें ख्वाब दिखा है वो अल्लाह की तरफ से ऐसे उसे कहा और जहाँ तक रही बात इतबाही सुन्नत की तो हकीम साहब हकीम साहब से मुराद कौन अशरफ अली थानवी साहब तो कि ईमान और आक़ीदे और उनके सुन्नत के सिलसिले में ख़ुद उनकी किताबें और तहरीरें शाहिद अदल हैं बहुत सारी किताबें हैं बच्चों को पढ़ना चाहिए ताकि हक़ मालूम हो बस यहाँ तक ये यह सिलसिला कौन सा ख़त्म होता है सिलसिले चिश्तिया फिर हमारे साथ है सिलसिले नक्शबंदिया नक्श बन दिया तो इन शह यहाँ से नया सिलसिला शुरू होता है तो लेते हैं इसके भी कुछ हिस्सा ले लेते हैं तो आ, ये हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह अलहदल रबिलबीन वसरात वसलाम अला खा तबीबिया इबालमसरिन वारा आरिया वसाबी يوم الدين इलामद्दीन بعد अल्लाह ताली का व करम है कि ये सूफ़ी तुरख के सिलसिले हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं तो जो सिलसिला हमने ख़त्म किया वो कौन सा सिलसिला है चिश्तिया याद है ठीक है तो अब हमारे साथ सिलसिले नक्शबंदिया है इस सिलसिले के मानने वालों को खवाजा गान भी कहा जाता आओ ख्वाजा बैठो ख्वाजा सुनो ख्वाजा तो ख्वाजा ख्वाजा बोलते हैं तो कभी मुझे भी समझ में नहीं आता था ये ख्वाजा क्यों बोलते हैं ये फिर बहाउद्दीन मोहम्मद बिन मोहम्मद बुखारी मरूफ शाह नक्शबंद की तरफ मंसूब है हाँ हमारे पास बहुत सारी मस्जिदें भी हैं नाल बंद नामों से हमारे पास हैं ये जो बहाउद्दीन इस फिरके का मुआसिस है फाउंडर है इसकी पैदाइश बुखारी के क़रीब बुखारा इसकी पैदाइश कहाँ हुई बुखारा के करीब एक गांव में 618 सौ सन हिजरी में हुई हा? और सात सौ पर एक में इनकी वफात हुई नक्शबंद की वजह तरकीब के बारे में बाद लोगों ने लिखा है कि ज़िक्र इलाही के नक्शबंद नक्श के माने मालूम है नक्श किसे कहते हैं नक्शा नक्शबंद के माने किसी जगह नक्श अगर पड़ जाता है तो उसे क्या है नक्शबंद तो उसकी वजह तस्मीय के बारे में क्यों यह नाम पड़ा यानी अल्लाह का जिक्र वो इतना करते थे कि अल्लाह का लफ्ज़ उनके दिल पर नक्श हो गया था अल्लाह का लफ्ज़ उनके दिल पर क्या हो गया था नक्श हो गया था और यह भी कहा गया नक्शबंद इसलिए कहा गया कि रसूल ने अपनी हथेली मुबारक शेख मोहम्मद बहाउद्दीन ओवैसी के दिल पर रखा शेख मोहम्मद बहाउद्दीन ओवैसी ओसी के दिल पर रखा तो उस पर आपके हथेली का अक्स उतर गया आपके हथेली का जो पंजा है उसके दिल पर क्या हो गया उतर गया ऐसी सारी बातें हैं कबर परस्तों ने उस शख्स की कौन है वो बहाउद्दीन उस शख्स की शान में इस हद तक गुलू किया कि उसे रुबूबियत और रूहियत के मकाम पर फायज कर दिया रुबूबियत और रूहियत किसके लिए खास है अल्लाह के लिए तो उन्होंने बहाउद्दीन को वो चीज़ें दे दी इसी तरह उसकी खबर को भी बुत बना दिया जिसकी अल्लाह के सिवा पूजा की जाए चुनाचे उनका अकीदा है कि वो इस कायनात में जहाँ चाहते हैं तसरुफ़ करते हैं बाबा बहाउद्दीन जहाँ जो चाहे कर देते हैं आता किसी को दे देते हैं किसी से मना कर लेते हैं नफ़ा नुकसान पहुँचाते हैं सुनते देखते हैं और सिफारिश करते हैं और उसे उल्टे यानी और जिसके चाहे जिस जिसमन से चाहे बचा लेते हैं इसी तरह उनका नाम रखा गया गौ से क्या नाम रखा गया गौ से आज़म गौ से खलाइक गौ से खलाइ खुत बकीक़त गौसलवरा सुबहानी ये नाम बहुत हमारे पास फेवरेट नामों में से हैं। ये टाइटल से लोग पुकारते हैं और साथ साथ उनके बारे में आकीदा है कि वो मारते जलाते हैं और वो क्या करते हैं मारते जलाते हैं वो चाहे तो पहाड़ को सोना बना देंगे वो चाहे तो क्या करेंगे पहाड़ को सोना बना देंगे अगर वो अपनी आस्तीन हला दें तो बुखारा के छोटे बड़े तमाम रहने वालों में गड़बड़ मच जाए सिर्फ क्या करें ऐसा करें बस अच्छा और वो सब अपनी दुकान और मकान छोड़कर भाग खड़े ऐसे मौके पर इनकी बहुत याद आती है अब जो कुछ जहां कुछ मुसलमान मारे जा रहे हैं हा? तो ये सारे वहां चले जाएं। सारा मामला ही खत्म हो जाएगा हा? सारा मामला ही खत्म हो जाएगा तो ऐसे मौके पर ये सारे करामात अगर वहां हो जाएं तो फिर सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिया के एक इमाम शेख अहमद सर हिंदी शेख नक्शबंद की शान में बल्कि खुद अपनी शान बयान करते हुए कहते हैं शाह नक्शबंद ज्यादातर मुझे अरश मजीद के ऊपर लेकर चढ़ते थे दुल अर्शिल मजीद अल्लाह का अरश तो ये कहते हैं कि शाह नक्शबंद मुझे अर्श पर ले जाते थे हा? एक मर्तबा मुझे लेकर ऊपर ले गए तो मैं उससे इतना बुलंद हुआ जितना रोए जमीन और अर्श के दरमियान फासला है मैंने वहां शाह नक्शबंद को देखा कहा अर्श पर नक्शबंदियों ने अपने इमाम शाह नक्शबंद के बारे में अजीब व गरीब कस्म के कश् व करामात और गैब दानी की बातें लिखी हैं फिर सूफिया नक्शबंदिया ने अपने इमाम शाह नक्शबंद के बारे में जिक्र किया है बहुत सारे अशार उनके बारे में भी कहे हैं तो इनशाला पीर के दिन हम लोग लिखते हैं इसलिए कि बात लंबी है तो इतनी लंबी बात को मुख्तर वक्त में समेटा नहीं जा सकता है इशाला पिर के दिन हम लिखते हैं सफ़ा नंबर 98 हमारे साथ है तो याद रखें शुएब मियाँ आप बताएं इन लेकिन आप बताने वाला ही अच्छा ठीक है बहानकल्लाबनाब हमदीक अरदुअल्ल इराफरकामक वरमि बरकत